हेलो, वेलकम यू ऑल गाइस इन जीके बिट। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, जिसको कि आप लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हो। और ये ना, इसका फ्रेंड्स दूसरा जो नाम होता है दैट इज योर पिनकोजन। इसको कभी ना पिनकोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपकी ग्रुप 17 के एलिमेंट है जिसको आप लोग हेलोजन बोलते हो, सिमिलरली ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चालकोजन बोला जाता है, सिमिलरली ग्रुप 15 एलिमेंट को आप पिनकोजन बोलते हो। ये आपका जेई मेन, नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर से ना कुछ रिएक्शंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो खास करके ना डिफरेंट टाइप ऑफ गैस जो इवॉल्व होती है, NO2, N2O, NO, तो किस रिएक्शन में क्या इवॉल्व होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से। तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये रिएक्शंस याद करने में बहुत ही आसानी हो। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इस के रिएक्शंस ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, और हर रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी बोलूंगा कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, और जो भी बातें निकल के आएंगी आप उसको पैरेलली नोट करते जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है दैट इज अ हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। कि अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग रिएक्शन अगर हमें देखना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला रिएक्शन आपको दे दिया जाए कि NH4NO2, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो हमें कौन सा गैस मिलेगा या क्या प्रोडक्ट रहेंगे। तो इस तरह के ना, जब भी आपको हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट की बात की जाए, तो आप ना इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को निकालने की कोशिश करो। तो जैसे यहां हमसे पूछा जाएगा कि कितना वाटर आप इससे निकाल सकते हो, तो आपको पता है कि आपके पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो आप आराम से बोलोगे कि सर इसमें तो आसानी से हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो अब आपके पास दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, बाहर हो गए, तो आपके पास बच क्या गया, 2 नाइट्रोजन एटम। दैट मीन्स यहाँ जो आपको गैस बनेगा दैट इज योर नाइट्रोजन गैस। जब अमोनियम NO2, हम इसको नाइट्राइट बोलते हैं, राइट, नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस और 2 मॉलिक्यूल वाटर। चलिए सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन अगर हमसे पूछा जाए कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, बोला जाएगा कि अगर हम लोग नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, अगेन हम लोग का तरीका पता है, इसे वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो आप 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली आप क्या करोगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे, तो आपके 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन तो बाहर गए। अभी भी हम लोग के पास 1 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन बचा हुआ है। तो इसके जो ये ऑक्साइड होते हैं दैट इज योर N2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दैट इज योर लाफिंग गैस, किसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। थर्ड रिएक्शन सिमिलरली अगर हमसे देखा जाए कि अगर हमें पूछ दिया जाए कि NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, इसे अगर हम हीट करते हैं तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो सिमिलरली अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि आपके पास ना हाइड्रोजन है कितने, 8, ऑक्सीजन है 7, तो आप कितना मैक्सिमम वाटर बाहर कर सकते हो। तो आप आसानी से बोलोगे सर 5-4 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बाहर कर लेंगे, जिसमें से आपको 8 हाइड्रोजन तो यूज हो गए, ऑक्सीजन भी 4 यूज हो गया, अपने पास ना 3 ऑक्सीजन 2 क्रोमियम और 2 नाइट्रोजन बचे हैं। अब आपको पता है 2 क्रोमियम और 2 ऑक्सीजन होगा तो डाइक्रोमेट किसमें चला जाएगा आपका फ्रेंड्स, Cr2O3। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है आपका ग्रीन, ग्रीन कलर का एक रेसिड्यू होता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब हमारे पास देखिए 8 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं,
टोटल 7 का 7 ऑक्सीजन यूज हो चुका है, तो अपने पास बच क्या गया, 2 नाइट्रोजन एटम। दैट मीन्स यहाँ हम लोग का कौन सा गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकल के इन्वॉल्व आएगी। तो इसको ना प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड में भी इस रिएक्शंस को आप यूज कर सकते हो, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट का। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली अगर आपसे दे दिया जाए अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3, पूछा जाएगा अगर हम लोग अमोनियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड, जब कार्बोनेट की हीटिंग होती है तो एक गैस तो डेफिनेटली बाहर आती है, दैट इज योर CO2। तो CO2 को बाहर करने के बाद अपने पास बच क्या गया, एक ऑक्सीजन बचा रह गया है और अपने पास ना 8 हाइड्रोजन है। तो अब एक ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग कितना वाटर बाहर कर सकते हैं, एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर सकते हैं। तो बाकी अपने पास ना अभी भी 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन अभी तक हमने यूज किया है 8 में, तो 6 हाइड्रोजन बचे हैं। तो इसको हम लोग, और अपने पास 2 नाइट्रोजन है N2H6, दैट मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं, 2NH3 अमोनिया गैस। तो जब आप अमोनियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया गैस, वाटर और CO2। सिमिलरली मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको एक और रिएक्शन दे दिया गया कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो अपना क्या बाहर आएगा। तो पता है कि आपके पास ना क्लोरीन है, तो एक क्या होगा HCl, और अपने पास बच क्या जाएगा, अमोनिया गैस NH3। तो इस तरह से हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट को आप बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके कोई भी सॉल्ट दे दें कि उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। चलिए उसके अलावा तो आप ना यहाँ दो चीज देखें कि नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन, नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगेन नाइट्रोजन गैस, और अमोनिया का प्रिपरेशन कैसा होता है। तो एक जो आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा, अमोनियम कार्बोनेट, इसका एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ध्यान में होगा। तो हम लोग ना खेत में क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। तो आपने NH2, CO और NH2, ये ना फॉर्मूला हमें बचपन से ही क्लास 8 से ही पता होती है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो क्या हुआ था, बनाया गया था। इसमें अगर हम लोग वाटर ऐड कर दें, राइट फ्रेंड, इसमें अगर हम लोग वाटर ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट में, दैट मीन्स NH4 का होल ट्वाइस CO3, और फर्दर इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमें पता है क्या रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूरिया को जब आप यूरिया डालते हो खेत में, उसके बाद हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं, राइट। तो अमोनियम कार्बोनेट एक बेटर फर्टिलाइजर की तरह काम करता है आपके खेतों में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्योर नाइट्रोजन बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके, कि सबसे जो पहला है कि आपका बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस। तब ये ना एजाइड क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप ना फ्रेंड्स N3- आयन को हम लोग एजाइड बोलते हैं, और ये आपका आता है हाइड्राजोइक एसिड से, हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड आपका क्या होता है फ्रेंड्स, HN3। ये NH3 से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिल्कुल अपोजिट होता है HN3 हाइड्राजोइक एसिड, जिसमें कि आपका N3- का स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन माइनस होता है, दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर अगेन माइनस। तो ओवरऑल देखिए इस पे क्या, एक प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, एक माइनस आयन बचे, दिस इज योर एजाइड। तो जो आपका बेरियम एजाइड है, ये आपको स्ट्रक्चर पता है, एक बेरियम क्या होगा, आपको सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो बेरियम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, +2, और एजाइड के ऊपर माइनस है, तो 2 एजाइड आयन चाहिए। जब इसको आप हीट करोगे तो आपको मिलता है बेरियम प्लस, साथ ही साथ मिलता है आपको 3N2 गैस, दैट इज 100% प्योर नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली आपके पास एक और रिएक्शन होता है NaN3, सोडियम एजाइड। जब आप सोडियम एजाइड को हीट करते हो तो अगेन आपको मिलता है सोडियम एटम प्लस नाइट्रोजन गैस। तो इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो 2 ले लीजिए आप यहाँ पे, 2Na एंड 3N2 गैस।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप सोडियम और बेरियम के एजाइड को हीट करते हो तो आपको प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है। तो फ्रेंड एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपका HNO2, ये आपका होता है फ्रेंड्स नाइट्रस एसिड। जब आप इसको रिएक्शन कराते तो इसमें देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपका +4 है, राइट। आपका यहाँ एक सॉरी फ्रेंड्स +4 नहीं, आप किसको आइडेंटिफाई कीजिए, तो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन तो -4, एक हाइड्रोजन है आपका +1, तो नाइट्रोजन क्या रहेगा +3। ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा और आपका फॉर्म करेगा HNO3 प्लस, साथ ही बनाएगा NO गैस, राइट फ्रेंड। तो यहां बहुत ही आराम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के रिएक्शन को। तो आपको अभी तक जो रिएक्शन है वो बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे कि एजाइड से हम लोग प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं, उससे पहले हम लोग ने नाइट्रस एसिड बनाने का तरीका देखा था, उसके अलावा अमोनिया गैस कैसे फॉर्म होता है। तो नौ जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग अब बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो अपने पास जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है दैट इज योर N2O, इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हम लोग नाम लिखने में नहीं टाइम लगाएंगे, दैट इज योर NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एक अपने पास होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अपने पास एक होता है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है अपने पास कि जो आपके पास N2O है, हम लोगों ने एक पहले भी मेथड देख चुका है कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो नाम एक बार ध्यान से देख लीजिए, N2O, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको आप नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो, दैट इज योर लाफिंग गैस, दैट इज योर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर आपके पास आता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तब इनके बनाने के मेथड्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आपके पास अगर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है, इसको आप हीट करोगे तो ये आपका क्या बनाएगा, सबसे पहला काम होता है अपने को वाटर बाहर कर लेना, तो 2H2O, और अपने पास बच क्या जाएगा, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, दैट इज योर N2O। सेकेंड जो है हम लोग के पास NO गैस है, कि NO गैस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए आपके पास ना कॉपर, कॉपर ग्रेनुअल्स ले लीजिए, कॉपर कटिंग्स ले लीजिए, आप कॉपर पाउडर ले लीजिए, इसको ना आप डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो आपका बनेगा कॉपर नाइट्रेट। देखिए आप कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है, तो कॉपर नाइट्रेट के तो सॉल्ट बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ पैरेलली आपको मिलेगा NO गैस। पैरेलली आपको क्या मिलेगा, NO गैस, साथ ही साथ आपको रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखिएगा आपको NO गैस बनाने के तरीका क्या है कि कॉपर ग्रेनुअल्स, कॉपर पाउडर या कॉपर कटिंग्स को आप डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है NO गैस। तीसरा जो अपने पास है NO2 गैस, उसका जो तरीका है, अपने पास ना कॉपर को जब आप कॉन्क, दैट मीन्स आप क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा देखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कहने का मतलब है आपका फ्रेंड 70%, जबकि हम लोग डाइल्यूट की बात करेंगे तो दैट इज योर 20% की बात हम कर रहे होंगे। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट हमें अब मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस अपने पास यहां मिलेगा NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम लोग 9th-10th में नहीं है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो दैट इज योर NO2 गैस जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका कलर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपका ब्राउन कलर का गैस होता है, ये क्या होता है आपका ब्राउन कलर का गैस होता है। एंड फोर्थ जो अपने पास है दैट इज योर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये एक्चुअली जब आप NO और
NO2, इस गैस को कूल कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कूल कीजिएगा, ठंडा, इसको निगेटिव टेम्परेचर में लेके चले जाएंगे लिक्विड स्टेट में, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा N2O3 में। राइट फ्रेंड्स, देखिएगा दोनों, क्योंकि पारा मैग्नेटिक कंपाउंड है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो आराम से किसमें N2O3 में कंबाइन आपस में हो जाता है, NO2 और NO, ये दोनों यूनिट मिलके आपको बनाते हैं N2O3, जो कि आपको किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड का कलर होता है आपका फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो पेल ब्लू कलर, और ये कब एग्जिस्ट करेगा आपका, निगेटिव टेम्परेचर पे। और इसी को जब हम लोग हीट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, तो अपने पास वही N2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO और NO2 में। तो नेक्स्ट जो अपने पास है N2O4, फिफ्थ जो अपने पास ऑक्साइड है, ये भी बहुत सिंपल है। जब आप NO2 गैस को, आपने ना केमिकल इक्विबियम पढ़ा होगा, उसमें ये बहुत बार रिएक्शन यूज किया होगा कि 2 NO2 आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, N2O4 बनाते हैं। तो जब आप इसको कूल कर लोगे, ये भी आपका N2O4 क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ये भी आपको निगेटिव टेम्परेचर पे ही रहेगा। फर्दर जब आप इसको हीट करोगे तो ये किस में चला जाएगा, NO2 गैस में। तो अगेन ये आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है, जिसमें NO2 गैस क्या होता है, आपस में कंबाइन होकर N2O4 बनाते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कितना आसानी से डिफरेंट ऑक्साइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो लास्ट जो अपने पास है, दैट इज योर N2O5, दिस इज अ मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जितने भी हैं इसमें से ये क्या होता है आपका, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके बनाने के तरीके को थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जो आपका P4O10 होता है, इसको जब आप HNO3 के साथ क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे, तो ये आपको मिलेगा HPO3+N2O5, मोस्ट एसिडिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटा फॉस्फोरस एसिड। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, तो फॉस्फोरस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड OH, राइट। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये आपका होता है आपका फ्रेंड्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज योर N2O5। तो इसका मेथड थोड़ा सा आप अलग से याद रख लीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ना, अब हम लोगों के पास है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, कि नाइट्रिक एसिड ना हम कैसे बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन क्या होता है। तो मेजरली अब हमें देखना रिएक्शन ऑफ HNO3, सबसे ना सरदर्द यही होता है, लेकिन आज हम इसको इतना आसान बना लेंगे कि हमें ये कभी दिक्कत नहीं देगा, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ देखिए, इसके रिएक्शन को ना हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें हम लोग एक्टिव मेटल को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्टिव मेटल की बात करनी हो, तो यहाँ हम बात करेंगे फेरस की, यहां पे हम लोग बात करेंगे जिंक की, या यहां हम लोग बात करेंगे स्टेनस की, जो कि हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। सेकेंड टाइप का जो एलिमेंट है, टाइप बी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉपर की, HG की या AG की, राइट, ये सारे मेटल्स। तो इनके रिएक्शन, खास करके आपको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं तीन मेटल से रिएक्शन पूछे जाते हैं, और सेकेंड टाइप जो रिएक्शन है वो इन तीन मेटल से, इनके रिएक्शन कैसे कैसे वैरी करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि टाइप वन मेटल, इसके साथ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला है कि आपको समझना है कि टाइप ए, जिसमें कि हम लोग फेरस के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, या आप जिंक के साथ रिएक्शन की बात करोगे, SN की, तो इसमें आपको कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग वेरी डाइल्यूट लेंगे, वेरी डाइल्यूट HNO3, ये एक्टिव मेटल, इसलिए वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्शन करता है, दैट मीन्स ये ना आपको 6 to 10% HNO3 का सॉल्यूशन होगा। और यहां पे जो ये गैस रिलीज करेगा आपका फ्रेंड्स NH3, अमोनिया फॉर्म करेगा, और ये बाद में HNO3 के साथ मिलके बना लेगा आपका फ्रेंड्स NH4NO3, ये ध्यान रखना एडिशनली, राइट। दूसरा चीज जो होगा,
आपको डाइल्यूट HNO3, दैट मीन्स हम लोग इसमें 20% की बात करेंगे डाइल्यूट HNO3 की। तो ये जो आपको गैस रिलीज करेगा दैट इज योर N2O। एडिशनल जो गैस ये रिलीज करेगा वो क्या करेगा, N2O। और थर्ड कैटेगरी जो अपने पास है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं 70% HNO3 का सॉल्यूशन, और ये आपको रिलीज करेगा फ्रेंड्स NO2। तो ये चीज हमेशा क्लियर रखिएगा, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ही NO2 गैस। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन ऑफ फेरस की। फेरस को जब हम लोग क्या करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे विथ 6 to 10% सॉल्यूशन के साथ। तो हमें पता है कि एक तो इसके सॉल्ट बनेंगे दैट इज योर Fe NO3 का होल ट्वाइस। साथ ही साथ हमें मिलेगा क्या, हमें पता है हमेशा यहाँ क्या मिलेगा, NH4NO3। NH4NO3 प्लस क्या मिलेगा हमें, H2O। सिमिलरली फेरस का रिएक्शन अगर हम लोग HNO3 के साथ ही कराते हैं, और ये अगर हमें 20% HNO3 ले लेते हैं, यहाँ आपको फेरस ही रहने देते हैं, तो इस बार जो आपका रिएक्शन होगा ये अगेन देखिएगा सेम फ्रेंड्स, यहाँ कोई चेंजेज नहीं आएंगे। चेंजेज आपका क्या आएगा, यहाँ जो हम लोग का नाइट्रेट हो रहा था अमोनियम नाइट्रेट, उसके जगह N2O गैस मिलेगा दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आपको मिलेगा वाटर। सिमिलरली सेम रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लें राइट, दैट इज योर अराउंड 70 to 75%। और अब अगर हम लोग फेरस की बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन होगा अगेन ये अमोनियम नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही आपको यहाँ प्रोड्यूस करेगा दैट इज योर NO2 गैस, ब्राउन कलर का आपको NO2 गैस मिलेगा, साथ ही आपको क्या मिलेगा H2O। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शन, सेम बिल्कुल रिएक्शन हम लोग का किसके साथ होगा, Fe के बाद अगर हमने क्या देखा था ZN है या SN है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर हमें बोल दिया जाए ZN प्लस HNO3, ये अगर हमें बोल दिया जाए कि 6 to 10% हमें लेना है, तो क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, क्या बनेगा ZN NO3 का होल ट्वाइस, जो कि उसका तो सॉल्ट बनेगा ही, आपको यहाँ क्या बनेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस आपका क्या बनेगा H2O। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगा फेरस के तरह, बिल्कुल अगर अगेन यहाँ हमें बोल दिया जाए कि HNO3 ये हम क्या ले लेते हैं 20% ले लेते हैं, तो 20% HNO3 रिएक्ट करके आपको क्या बनाएगा फ्रेंड्स, ZN NO3 का होल ट्वाइस प्लस यहां आपको क्या रिलीज करेगा वो N2O गैस प्लस H2O। सिमिलरली अगर ये बोल दिया जाए कि आपको HNO3 हम लोग क्या ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज योर 70% की बात की जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, तो फ्रेंड्स यहां जो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा ये अगेन ये तो सेम रही रह जाएगा, यहां हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा NO2 गैस प्लस H2O। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली हम लोग स्टेनस के साथ एक रिएक्शन देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो स्टेनस में ना एक आपको एडिशनल ध्यान रिएक्शन ध्यान रखना है कि जब SN को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं दैट मीन्स यहां पे आपको क्या होगा, ये 70% HNO3 का जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्यूशन आपका सॉल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है दैट इज योर H2SNO3 प्लस आपको क्या बनेगा, ये तो पता है कि NO2 गैस तो बनेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, H2O कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड। तो एडिशनली आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग ना अपने टाइप बी के तरफ जाते हैं, टाइप बी जो हम लोगों के पास है कि टाइप बी के साथ रिएक्शन क्या था, इसमें हम लोगों के कौन कौन से मेटल थे, Cu था अपने पास, Hg था अपने पास, क्या था Ag था। तो इसमें ना फिर से अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट की बात करें तो जो 6 to 10% होता है उसके साथ ये रिएक्शन नहीं शो करता, तो ये आपको डाइल्यूट के साथ शो करता है Cu प्लस अगर हमें बोल दिया जाए डाइल्यूट HNO3, जो कि आपको पता है कि डाइल्यूट HNO3 कहने का क्या मतलब है 20%, अगर इससे कम रखते हैं तो फ्रेंड्स ये जनरली कॉपर
कम रिएक्टिव होता है रिलेटिवली अपर मेटल जो हम लोगों ने देखा, इसलिए वो बहुत डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगेन आपको ये CuNO3 का होल ट्वाइस तो बनाएगा। हमने ये रिएक्शन को एनओ गैस के फॉर्मेशन में भी देखा था, तो हमें क्या मिलेगा, NO+H2O। सिमिलरली अगर आपके पास ना दे दिया जाए कि HG+ SEM वेरी डाइल्यूट, अगर हम लोग ये HNO3 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस अगेन हमें मिलेगा एनओ गैस प्लस क्या बनेगा H2O, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से सिमिलरली अगर हमें Ag के साथ बोला जाए कि वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, AgNO3, जिसको हम लोग लूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं। AgNO3 हम लोग का क्या कहलाता है, लूनर कॉस्टिक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लूनर कॉस्टिक की बात की जाएगी, दैट इज योर AgNO3। अगेन ये हमें क्या होगा, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या फॉर्म करेगा, H2O, राइट। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये ना वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कैसा शो करता है। सिमिलरली अगर हमें बोल दिया जाए कॉपर प्लस कॉन्क HNO3, दैट इज योर 70% अगर हम लोग ले लें तो फिर से हमें पता है ये क्या फॉर्म करेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस इस बार ना जब भी हम लोग कॉन्क लेंगे तो क्या मिलेगा, NO2 गैस प्लस H2O। सिमिलरली आप जो है यहाँ पे HG अगर ले लेते हो सेम रिएक्शन तो ये आपको क्या बनेगा, HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे Ag लेते हैं कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ हम लोग का क्या बनेगा, AgNO3 प्लस क्या बनेगा, NO2 गैस प्लस वॉट। तो ये चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ गई कि टाइप बी मेटल की जब बात करेंगे तो ये वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट डाइल्यूट के साथ ना ये एनओ गैस देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉन्क जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करेंगे तो हमेशा कौन सा गैस मिलेगा हमें, NO2। और टाइप ए के मेटल की बात करें तो हमने देखा था जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि जब हम लोग वेरी डाइल्यूट लेते हैं तो NH4NO3 बनाता है, जब हम लोग डाइल्यूट लेते हैं तो हम लोग के पास नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और कॉन्क लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, NO2 गैस। तो फ्रेंड इस तरह से ना हम आराम से इस तरह के रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब अपने पास ना कुछ रिएक्शन और एडिशनली बच जाते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, कि जैसे ना हैवी मेटल नाइट्रेट्स, हैवी मेटल नाइट्रेट्स। तो अगर हम लोग हैवी मेटल नाइट्रेट्स की बात करें तो सबसे जो पहला है अपने पास, दैट इज योर PbNO3 का होल ट्वाइस, या आपके पास दे दिया गया AgNO3 अमोनियम नाइट्रेट, या आपके पास दे दिया गया HgNO3 का होल ट्वाइस। इसको अगर हम लोग थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये ऑलवेज आपको NO2 गैस प्रोड्यूस करके देगा, दैट फॉर्म PbO प्लस आपको फॉर्म करेगा NO2 गैस। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो Ag2O प्लस हमें मिलेगा NO2 गैस, साथ ही साथ पैरेलली फ्रेंड्स आपको क्या मिलता जाएगा, O2 गैस मिलता जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये जनरली फ्रेंड्स आपको सबको पता होता है कि HgO प्लस क्या मिलेगा, आपके पास NO2 गैस मिलेगा, O2 मिलेगा। तो इसमें आपको एडिशनल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये आपको सबको बताती है जो भी जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इस तरह के रिएक्शन सुने आसानी से पता होता है। एडिशनली आपको एस ब्लॉक के ऊपर ध्यान रखिएगा, लिथियम अल्कली का अकेला नाइट्रेट है जो आपको क्या फॉर्म कर देता है, Li2O प्लस NO2 प्लस O2 गैस, ब्राउन कलर का लिथियम नाइट्रेट। बाकी अगर हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये आपका फॉर्म करेगा NaNO2 प्लस O2 गैस सिर्फ रिलीज करेगा, ये कभी भी, तो ये ना NO2 के वजह से इसका कलर हम लोग देखे थे कैसा हो जाता है, ब्राउन। तो पूछा जाएगा अल्कली का कौन सा नाइट्रेट है जिसको हीट करने के बाद आपको ब्राउन कलर की गैस मिलती है, दैट इज योर लिथियम। और पैरेलली आपको पता होगा कि लिथियम ना डायगोनल रिलेशनशिप के साथ किसके साथ होता है, इसका ना बड़ा गजब का अफेयर चल रहा होता है मैग्नीशियम के साथ, तो MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्लस एनओ टू प्लस ओ टू गैस। तो ये दो रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई मैन इसको डायरेक्टली पूछ सकता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्कली और अल्कलाइन की ये दो नाइट्रेट्स हैं जो आपको एनओ टू गैस रिलीज करते हैं, बाकी कोई भी हो आपको एनओ टू गैस रिलीज करके नहीं देगा। अगर इसके रीजन आप जानना चाहते हो तो आप ना मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट है उनको आप चेक कर सकते हो, जहां आपको समझ में आ जाएगा। लिथियम का साइज बहुत ही छोटा होता है, ये NO3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है, पोलराइज, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इसके अंदर, जबकि NaNO3 में ये आपको आप प्योर आयनिक कंपाउंड होता है इसलिए ये डिकम्पोज नहीं होता है, जबकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू विच ये क्या होता है आपको NO2 में। और एक लास्ट और बहुत ही सिंपल टाइप का जो आपके पास कैटेगरी ऑफ रिएक्शन बच जाते हैं इस चैप्टर में, दैट इज योर कि एनी नॉन मेटल प्लस एच एन ओ थ्री का रिएक्ट कराएंगे तो आपको बनेगा एसिड ऑफ दैट नॉन मेटल प्लस आपको मिलेगा फ्रेंड्स एन ओ टू गैस, साथ ही साथ मिलेगा आपको वाटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपको बोल दिया जाए कि पी फोर प्लस हमें एच एन ओ थ्री को रिएक्ट कराना है, जनरली हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं दैट इज योर अराउंड 70%। तो ये आपको क्या फॉर्म करेगा फ्रेंड्स, एच थ्री पी ओ फोर प्लस एन ओ टू प्लस एच टू ओ। तो बहुत आराम से आप बता सकते हो, मान लीजिए आपको दे दिया गया सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री का हम रिएक्ट करा दें, तो ये आपको फॉर्म करेगा एच टू एस ओ फोर प्लस एन ओ टू प्लस एच टू ओ। आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको आयोडीन ग्रेनुल्स दे दिया गया, आई टू के क्रिस्टल्स दे दिए गए, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये आपको फॉर्म करेगा एच आई ओ थ्री प्लस एन ओ टू गैस प्लस एच टू ओ। सिमिलरली मान लीजिए आपको हो जाए ना कोक दे दिया गया, कोक दैट इज योर कार्बन को अगर हम लोग एच एन ओ थ्री के साथ कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ये आपको फॉर्म करेगा एच टू सी ओ थ्री प्लस एन ओ टू प्लस, और ये आपको पता है फर्दर डिकम्पोज किसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, एच टू ओ प्लस सी ओ टू में। इस तरह से आप नॉन मेटल के भी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट करा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एच एन ओ थ्री जो है ये ऑलवेज कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन हो, आप एनसीईआरटी के किसी भी रिएक्शन को फाइंड करने की कोशिश कीजिए, आप हर रिएक्शन को आसानी से बता सकते हो, याद कर लेकर रख सकते हो। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिविजन में देखते हैं सारे रिएक्शन को, हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो अपने पास देखिए सिंपल ये, सबसे पहला हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, इसको हमने आसानी से क्या कर दिया N2 और H2 की, इसमें मैक्सिमम वाटर को बाहर करते हैं, तो कभी अपने पास N2 मिलता है NO2 मिलता है जब, तो इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर दूंगे। एक एडिशनल रिएक्शन अपने पास क्या था कि यूरिया को जब वाटर में डालते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आपको रिएक्शन है कि प्योर नाइट्रोजन चाहिए आपको, तो बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को हम लोग क्या करते हैं थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो आपको प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है। और आपको पता है कि हाइड्राजोइक एसिड और एजाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर एच एन ओ टू जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एच एन ओ थ्री और एनओ प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, एन टू ओ एनओ, एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डायनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, अब आप आराम से बता सकते हो NH4NO3 N2O। और इसके अलावे भी हम लोगों ने देखा N2O बनाने के तरीके कि एक्टिव मेटल जैसे आपके पास क्या है, फेरस है, जिंक है, स्टेनस है, जब आप इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको N2O गैस मिलता है। फिर हमने देखा NO गैस, तो जैसे आपके पास कॉपर था, Hg था, Ag था, जब उसको हम लोग डाइल्यूट एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और सॉल्ट तो हमेशा मिलेंगे फ्रेंड्स। फिर जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन ओ टू, ब्राउन कलर का एन ओ टू गैस मिलता है। फिर हमने देखा कि एन टू ओ थ्री कैसे बनता है, आपको जो है ना नाइट्रस, ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपको जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप लोग क्या करोगे, कूल करोगे, तो आपको लिक्विड में ब्लू, पेल ब्लू कलर का आपको क्या मिलेगा, निगेटिव टेम्परेचर पे एक लिक्विड मिलेगा, दैट इज योर N2O3। सिमिलरली NO2 को भी हम लोग कूल कर दें लिक्विड स्टेट में लेके चले जाए निगेटिव टेम्परेचर पे तो हमें मिलेगा N2O4।
सिमिलरली मोस्ट एसिडिक पर जो एक रिएक्शन आपको अलग से ध्यान रखना था N2O5, जो कि आपको P4O10 को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड और N2O5 मिलता है। नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे डिफरेंट टाइप ऑफ HNO3 के, दो टाइप को हमने कैटेगराइज किया, फर्स्ट FeZn और SN जो कि आपको हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, और सेकेंड कॉपर HG और AG जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ना हाइड्रोजन से नीचे है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको AU और PT को नहीं लेना ये, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा अनरिएक्टिव हो जाता है, इनको ना HNO3 भी कुछ नहीं कर पाता, इसके लिए हमें एक्वारेजिया की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग उसकी बात अभी नहीं करेंगे। ये दो टाइप के कैटेगराइज हमने किए और उस रिएक्शंस को हमने डिटेल में देखा कि एक्टिव मेटल को वेरी डाइल्यूट के साथ ले रिएक्ट करेंगे तो NH4NO3 बनेगा, बाकी साल्ट तो कॉमन रहेगा उसके लिए हमें नहीं सोचना, अगर हम डाइल्यूट लेते हैं तो N2O मिलेगा और कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो NO2 गैस मिलता है। इस तरह के कैटेगरी और इसमें से स्टेनस के रिएक्शन को हमें एडिशनली ध्यान रखना था कि हमें मेटास्टेनिक एसिड मिलता है जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यूज करते हैं। सिमिलरली CU, HG, AG उसके रिएक्शन हमने देखे, NO गैस हमें मिलता है जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिलता है NO2 गैस मिलता है। सिमिलरली हमने देखा कि हैवी मेटल्स के नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं, बट दो ऐसे मेटल्स लिथियम और मैग्नीशियम ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर ये भी आपको NO2 का ब्राउन गैस देता है। और लास्ट कैटेगरी जो हम लोग के पास रिएक्शन है, तो अब इतना पढ़ने के बाद ना फ्रेंड्स आपको NCERT के उल्टा होगी, लाइन वाइज ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसको आप नहीं बता सकते हो कैसा होगा क्यों होगा, हर रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को थैंक यू। और उसके अलावा ना आपको एक मिलेगा फ्रेंड्स ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि आपको NCERT में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि Fe2+ जो होते हैं वो रिड्यूस होके नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कि रिएक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली देख लीजिए आपके जो ये कंपाउंड है Fe H2O 5 NO, ये आप आराम से NCERT में देखोगे आपको फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, दैट इज फॉर द नाइट्रेट आयन, कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रेट आयन्स होते हैं उसके लिए हम लोग करते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।